एक रूम के घर की वायरिंग करने का सही तरीका, इसमें कौन सा MCB लगाना चाहिए और कितना MM का वायर यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके मीटर के साथ एक आइसोलेटर लगा हुआ है जो 40 एम्पियर का है, दो सिंगल पुल MCB लगाया हुआ है जो एक 6 एम्पियर और दूसरा 16 एम्पियर का है, और आप घर के अंदर एक टन AC यूज कर रहे हैं और एक फैन यूज कर रहे हैं जो 65 वॉट का है और 12 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं, आप TV भी जोड़ सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। तो पहले हम घर का वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां-कहां कितने MM का वायर यूज किया है। वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। मैंने मीटर से आइसोलेटर तक जो वायर यूज किया है वह 4 MM का वायर यूज किया है। उसके बाद आइसोलेटर से जो सिंगल पुल MCB और न्यूट्रल बार में गया है वह मैंने 2.5 MM का वायर यूज किया है, और 6 एम्पियर MCB से जो स्विच बोर्ड में गया है वह मैंने 1.5 MM का वायर यूज किया है। उसके बाद दूसरा 16 एम्पियर MCB से जो AC पावर बोर्ड में गया है वह मैंने 1.5 MM का वायर यूज किया है। उसके बाद स्विच बोर्ड से जो बल्ब और फैन के लिए वह मैंने 1 MM का वायर यूज किया है, और अर्थिंग के लिए मैंने 1 MM का वायर यूज किया है। इस तरह से वायरिंग करने से आप जो लाइटिंग सर्किट है वो भी अलग हो जाएगा और AC का वायरिंग है वो भी अलग से हो जाएगा। अगर AC में कुछ फोल्ड हो जाता है तो सिर्फ AC वाला MCB ट्रिप करेगा। अगर घर के स्विच बोर्ड में कुछ फोल्ड हो जाता है तो दूसरा 6 एम्पियर का MCB ट्रिप करेगा। इस तरह से वायरिंग करने से आपका घर सेफ रहता है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से उसका लाइफ भी भर जाता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि एक रूम का वायरिंग किस तरह से करना है, कहां-कहां कितने MM स्क्वायर का वायर लगाना है। दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।